ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों के आप दोस्त तो अच्छे से बन जाते हो लेकिन वो आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाती? ऐसे क्या कारण है कि लड़कियां आपसे दूर भागती हैं या आपको बार बार फ्रेंड जोन करती रहती हैं? किस तरीके के लड़के लड़कियों को नहीं पसंद होते, चलिए बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ और काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए बात करेंगे कि लड़कियों को किस तरह के लड़के नहीं पसंद है, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो या आपको भी फ्रेंड जोन ना किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये वीडियो अपने जो व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें जरूर भेज दें। सबसे पहले बात करूंगी कि लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना जो कि आपके करियर को लेकर या अपने ड्रीम्स को लेकर लेथार्जिक हैं। ऐसे लड़के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या अपने करियर पे फोकस करते हैं अपने ग्रोथ टाइम पे या उसको प्रायोरिटाइज करते हैं और उन अपने लव और करियर को दोनों साथ में लेके चलते हैं, लड़कियों को ऐसे लड़के काफी पसंद है। और फिर इसका रिलेशन आप मनी से भी कर देते हैं। जो लड़के करियर पॉजिटिव होते हैं वो उनके मनी स्टैंडर्ड्स और ये सब भी अच्छे होते हैं, जो कि लड़की को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप लेजी हैं, बाप के पैसों पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, या आपके अपने करियर को लेके हो जाएगा कर लेंगे, तो लड़कियां दूर भागेंगी। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ तैयार होकर सज धज के रहना नहीं है, डेफिनेटली वो उसका एक पार्ट है, लेकिन पर्सनालिटी का मतलब है कि आप अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम कितना हाई है, आपके एटीट्यूड्स कितने अच्छे हैं, साथ साथ आप अपने आप को बैलेंस कितना अच्छे तरीके से करते हैं, आप प्रेजेंटेबल कितने हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपकी लड़की, कोई भी लड़की आपसे डेफिनेटली दूर नहीं भाग सकती है। तो अपनी पर्सनालिटी पर काम करें, नहीं तो फ्रेंड जोन डेफिनेटली आप हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर, ऐसे लड़के जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए लड़कियों के साथ हैं, B8 सोसाइटी की एक रेपुटेशन के लिए या फिर अपने धौंस जताने के लिए या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए या फिर सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए, ऐसे लड़के भी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होते। डेफिनेटली वो विद द टाइम उनके साथ रहती हैं, लेकिन धीरे 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 वो जो डिस्टेंस है वो क्रिएट हो जाता है और फिर डिच करने में, डम करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ऐसे लड़के भी लड़कियों को पसंद नहीं होते। साथ साथ ऐसे लड़के जो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट ना करते हो, लड़कियों को रिस्पेक्ट ना करते हो, बिल्कुल ह्यूमरस नहीं हो, बिल्कुल ही स्टैटिक और स्टेट लाइफ जीते हो, साथ साथ ऐसे लड़के जिन्हें फन एलिमेंट्स उनकी लाइफ में मिस रहते हैं, या फिर वो लड़के जो कहीं ना कहीं सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, इनके साथ लड़कियां आगे जाने के लिए या फ्यूचर में कोई लाइफ गोल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। मोरओवर लड़कियों को अटेंशन चाहिए। अगर आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे या प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलेगा, और लड़कियों को एक बार इंप्रेस करने से वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है, और अगर आप भी इन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस लिखें, और अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उन्हें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।